पैसा हर जगह है, यह हम सबको प्रभावित करता है और हम में से अधिकांश को भ्रमित भी। हर कोई पैसे के बारे में कुछ अलग ही ढंग से सोचता है। यह हमें ऐसे सबक सिखाता है जो हमारे जीवन के कई पहलुओं में लागू होते हैं, जैसे जोखिम उठाना, आत्मविश्वास और सुख। कुछ विषय ऐसे हैं जो यह जानने और समझने के लिए अधिक शक्तिशाली आवर्धक लेंस प्रदान करते हैं कि लोग जिस प्रकार पैसे के प्रति आचरण करते हैं, वे आखिर ऐसा क्यों करते हैं। यह पृथ्वी पर सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हमने कंप्लीट चैप्टर वाइज ऑडियो बुक सीरीज स्टार्ट कर दी है और इसका अभी तक एक ही चैप्टर हुआ है। और हाँ, अब मैं आपको बिल गेट्स के अमीर बनने की कहानी सुनाता हूँ। आज के हमारे चैप्टर का नाम है भाग्य और जोखिम। कुछ भी इतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना वह दिखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग्य और जोखिम भाई भाई हैं। ये दोनों इस वास्तविकता का प्रमाण है कि जीवन में हर नतीजा व्यक्तिगत प्रयास के अलावा और अन्य ताकतों पर भी निर्भर करता है। NYU प्रोफेसर स्कॉट गैलोवे का एक ऐसा संबंधी विचार सफलता का आकलन करते समय बहुत आवश्यक है। दोनों अपनी और साथ ही अन्यों की भी। कुछ भी इतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना वह दिखता है। बिल गेट्स विश्व के उस एकमात्र हाई स्कूल में गए जहां कंप्यूटर था। सिएटल से कुछ ही दूरी पर स्थित लेक साइड स्कूल में कंप्यूटर कैसे आया, यह कहानी अद्भुत है। बिल डोगल द्वितीय विश्व युद्ध में एक समुद्री विमान चालक थे जो बाद में हाई स्कूल में गणित और विज्ञान के अध्यापक बन गए। वे मानते थे कि किताबी ज्ञान बिना वास्तविक अनुभव के काफी नहीं है। वे ये भी समझते थे कि कॉलेज में पहुंचने के समय हमें कंप्यूटर की कुछ जानकारी की आवश्यकता होगी। स्वर्गीय माइक्रोसॉफ्ट सह संस्थापक पॉल एलन ने याद करते हुए कहा था, 1968 में डूगल ने लेक साइड स्कूल मदर्स क्लब से निवेदन किया कि वे अपनी वार्षिक फुटकर बिक्री से होने वाली आय लगभग $3,000 से एक टेलीटाइप मॉडल 30 कंप्यूटर लीज पर लें जो टाइम शेयरिंग यानी समय सहभाजन के लिए जनरल इलेक्ट्रिक मैन फ्रेम टर्मिनल से जुड़ा हो। टाइम शेयरिंग का सिद्धांत 1965 में जाकर आविष्कृत हुआ। गेट्स ने बाद में कहा, कोई निश्चय ही काफी दूरदर्शी था। अधिकतर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूलों के पास इतना अग्रवर्ती कंप्यूटर नहीं था जैसा 8वीं कक्षा में बिल गेट्स के पास था, और बिल गेट्स को उससे बेतहाशा लगाव भी था। गेट्स 1968 में 13 वर्ष के थे जब वे अपने सहपाठी पॉल एलन से मिले। एलन को भी स्कूल का कंप्यूटर इस्तेमाल करने का बहुत जुनून था और दोनों मिलते ही गहरे मित्र भी बन गए। लेक साइड का कंप्यूटर वहां के सामान्य पाठ्यक्रम का भाग नहीं था, यह एक स्वतंत्र अध्ययन कार्यक्रम था। बिल और पॉल आराम से कंप्यूटर में अपनी रचनात्मकता को स्वच्छंद रूप से विचरण करने देते थे। स्कूल के बाद देर रात में या सप्तांत में वे शीघ्र ही कंप्यूटिंग में माहिर हो गए। अपने ऐसे ही एक देर रात के सत्र में एलन को याद है कि गेट्स ने एक बार एक फॉर्चून मैगजीन दिखाते हुए कहा था, तुम क्या सोचते हो एक फॉर्चून 500 कंपनी चलाना कैसा लगता होगा। एलन ने कहा था कि उन्हें इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है, शायद एक दिन हमारी खुद की कंप्यूटर कंपनी होगी। गेट्स ने कहा, अब माइक्रोसॉफ्ट का कुल मूल्य $1 trillion से भी अधिक है। अब थोड़ा सा तेज गणित, 1968 में UN के अनुसार विश्व में लगभग 303 मिलियन हाई स्कूल की उम्र के लोग थे। उनमें से लगभग 18 मिलियन US में थे और उनमें से लगभग 270,000 वाशिंगटन स्टेट में रहते थे, 1,00,000 से कुछ अधिक सिएटल में रहते थे और इनमें से सिर्फ 300 लेक साइड स्कूल में जाते थे। 303 मिलियन से शुरू करके 300 पर खत्म। 1 मिलियन हाई स्कूल आयु के विद्यार्थियों में से सिर्फ एक ने ऐसे स्कूल में पढ़ाई की जहां एक कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसे और दूरदर्शिता का मेल था। बिल गेट्स उनमें से एक थे। गेट्स भी इसे मानने से पीछे नहीं हटे, अगर लेक साइड ना होता तो माइक्रोसॉफ्ट भी ना होता। उन्होंने 2005 की उत्तीर्ण होने वाली कक्षा को बताया
गेट्स अत्यधिक होशियार हैं और उससे भी अधिक मेहनती और अपनी किशोर अवस्था में ही कंप्यूटरों को लेकर ऐसी परिकल्पना रखते थे जो अनुभवी कंप्यूटर अधिकारी भी न समझ पाए। साथ ही लेक साइड स्कूल में जाने के कारण उन्हें 1 मिलियन में से एक वाली शुरुआत बढ़त भी मिली। साथ ही लेक साइड स्कूल में जाने के कारण उन्हें 1 मिलियन में से एक वाली शुरुआत बढ़त भी मिली। अब मैं आपको गेट्स के मित्र कैंट इवांस के बारे में भी बताता हूँ। उसने भाग्य के भाई जोखिम की उतनी ही शक्तिशाली मात्रा का अनुभव किया। बिल गेट्स और पॉल एलन का नाम माइक्रोसॉफ्ट की सफलता के कारण घर घर में प्रसिद्ध हो गया, लेकिन लेक साइड में इन कंप्यूटर में विलक्षण प्रतिभा संपन्न हाई स्कूल किशोरों के गुट का एक और तीसरा सदस्य था। बिल गेट्स और कैंट इवांस 8वीं कक्षा में घनिष्ठ मित्र बन गए। गेट्स के कथन अनुसार इवांस कक्षा में सर्वश्रेष्ठ छात्र था। दोनों हद से ज्यादा फोन पर बात किया करते थे। बिल गेट्स ने इनसाइड बिल्स ब्रेन नामक वृत्त चित्र में याद करते हुए कहा था, मुझे अब भी कैंट का फोन नंबर याद है। उन्होंने कहा 5257851। इवांस भी कंप्यूटर में उतना ही कुशल था जितने गेट्स और एलन। लेक साइड स्कूल को एक बार कक्षा की सारणी बनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। सैकड़ों विद्यार्थियों की कक्षाओं को योजनाबद्ध करना जिससे वे अन्य कोर्स के साथ न उलझे, यह जटिलता का एक भूल भुलैया था। स्कूल ने बिल और कैंट को, जो खुद बच्चे थे, यह काम सौंपा कि वे एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाएं जो इस समस्या को सुलझा सके, और यह काम कर गया। और पॉल एलन के विपरीत कैंट भी बिल के समान व्यावसायिक मानसिकता और अनंत महत्वाकांक्षा रखता था। कैंट हमेशा अपने साथ एक बड़ा ब्रीफकेस रखता था, किसी वकील की तरह। गेट्स याद करते हुए कहते हैं, हम हमेशा योजना बनाते रहते थे कि हम भविष्य में 5 या 6 साल बाद क्या करेंगे, क्या हमें CEO बनना चाहिए, हम किस प्रकार का प्रभाव बना सकते हैं, क्या हम जनरल बन जाएं या फिर हम राजदूत बन जाएं, चाहे जो भी हो। बिल और कैंट जानते थे कि वे जो भी करेंगे साथ ही करेंगे। कैंट के साथ अपनी दोस्ती को याद करते हुए गेट्स धीमे से चुप हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी ना हो सका। हाई स्कूल पास करने से पहले ही एक पर्वतारोहण दुर्घटना में कैंट की मृत्यु हो गई। प्रतिवर्ष यूनाइटेड स्टेट में पर्वतारोहण में लगभग 3 दर्जन लोगों की मृत्यु होती है, और हाई स्कूल में एक पहाड़ पर मरने की संभावना लगभग 1 मिलियन में से एक है। बिल गेट्स ने लेक साइड जाकर 1 मिलियन में से एक का भाग्य पाया। कैंट इवांस ने 1 मिलियन में से एक का जोखिम पाया, जिसके चलते जो वह और गेट्स प्राप्त करना चाहते थे वह उसे कभी पूरा कर ही नहीं पाया। एक जैसा बल, एक ही जैसी मात्रा, बस विपरीत दिशाएं। भाग्य और जोखिम दोनों इस वास्तविकता का प्रमाण है कि जीवन में हर नतीजा व्यक्तिगत प्रयास के परे अन्य शक्तियों पर भी निर्भर करता है। वे दोनों इतने समान हैं कि आप एक को सम्मान दिए बिना दूसरे में विश्वास नहीं रख सकते। ये दोनों इसलिए अस्तित्व रखते हैं क्योंकि संसार इतना जटिल है कि आपके 100% प्रयासों से आपको 100% नतीजे नहीं मिल सकते। वे बस एक ही बात से चलते हैं, आप इस खेल में 7 बिलियन लोगों में से एक हैं, जिनमें से अनगिनत चीजों में फेरबदल होती रहती है। कभी कभी आपके नियंत्रण के परे के संयोगवश परिणाम आपके योजनाबद्ध प्रयासों से अधिक अहम सिद्ध होते हैं, लेकिन दोनों को मापना इतना कठिन है और स्वीकार करना इतना मुश्किल कि ये अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं। हर बिल गेट्स के साथ एक कैंट इवांस भी होता है जो उतना ही प्रतिभावान और प्रेरित था, किंतु जीवन के चरखे के दूसरी ओर पलटकर रह गया। यदि आप भाग्य और जोखिम को यथोचित सम्मान दें, आप पाएंगे कि वित्तीय सफलता को आंकते हुए अपनी और अन्य लोगों की कुछ भी इतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना वह दिखता है। कई वर्ष पहले मैंने नोबेल प्राइज जीतने वाले अर्थशास्त्री रॉबर्ट सीलर से पूछा,
आप निवेश के बारे में ऐसा क्या जानना चाहते हैं जो हम कभी नहीं जान सकते। सफल परिणामों में भाग्य की सटीक भूमिका। उन्होंने उत्तर दिया, मुझे यह उत्तर बहुत पसंद आया क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं सोचता कि वित्तीय सफलता में भाग्य की कोई भूमिका नहीं, लेकिन चूंकि भाग्य को मापना कठिन है और यह कहना अशिष्ट है कि किसी की सफलता भाग्य के कारण है, आम रवैया अक्सर यही होता है कि भाग्य को सफलता के कारक के रूप में अनदेखा कर दिया जाता है। अगर मैं कहूं विश्व में लगभग 1 बिलियन निवेशक हैं, क्या आप सोचते हैं कि इनमें से 10 मुख्यतः भाग्य के कारण अरबपति बन सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल, लेकिन फिर अगर मैं आपको उन निवेशकों का नाम लेने को कहूं, उनके सामने आप शायद पीछे हट जाएंगे। दूसरों को आंकते हुए सफलता का श्रेय भाग्य को देने से आप अशिष्ट और ईर्ष्यालु दिख सकते हैं, तब भी जब हम जानते हो कि यह सच है और अपने आप को आंकते हुए सफलता का श्रेय भाग्य को देना इतना हतोत्साहित कर सकता है कि उसे महत्व देना या मानना कठिन हो जाए। अर्थशास्त्री भास्कर मजूमदार ने दर्शाया है कि कद और वजन से ज्यादा भाइयों के बीच उनकी आय सह संबंध होती है। अगर आप अमीर और लंबे हैं, आपके भाई की अमीर होने की संभावना उसके लंबे होने की संभावना से अधिक है। मुझे लगता है हम में से अधिकांश लोग सहज रूप से जानते हैं कि यह बात सच है। आपकी शिक्षा की गुणवत्ता और आपके लिए जो अवसर के द्वार खुलते हैं, वे आपके माता पिता की सामाजिक आर्थिक स्थिति से दृढ़ता से जुड़े होते हैं। लेकिन मुझे 2 अमीर भाई ढूंढ के दीजिए और मैं आपको ऐसे 2 आदमी दिखाऊंगा जो यह कहेंगे कि इस अध्ययन की खोज उन पर लागू नहीं होती। असफलता जो दिवालिया होने से लेकर किसी व्यक्तिगत उद्देश्य को परिपूर्ण ना कर पाना कुछ भी हो सकती है की भी बराबर रूप से आलोचना की जाती है। क्या असफल व्यापारों ने उतनी मेहनत नहीं की जितनी करनी चाहिए थी? क्या वे निवेश जो बुरे सिद्ध हुए सोच समझकर नहीं किए गए थे? क्या निरंकुश कैरियर आलस के कारण होते हैं? कभी कभी हाँ बिल्कुल, लेकिन कितना यह जानना कठिन है। किसी भी योग्य लक्ष्य के अनुगमन में सफल होने की संभावना 100% से कम है, और जोखिम वही है जो जब बीच में आता है जब आप दुर्भाग्य से इस समीकरण के दूसरी ओर जा पहुंचे। ठीक भाग्य ही की तरह वर्तांत कठिन, अस्त व्यस्त और जटिल हो जाता है। यदि हम यह जानने का प्रयत्न करें कि किसी परिणाम का कितना हिस्सा सचेतन निर्णय के कारण था और कितना जोखिम के कारण। मान लीजिए कि मैं एक स्टॉक खरीदता हूँ और 5 साल बाद भी वह वैसे का वैसा ही रहता है। यह संभव है कि इसे खरीदने का मेरा निर्णय ही खराब था। यह भी संभव है कि मेरा निर्णय अच्छा था और मेरी पैसा बनाने की संभावना 80% थी और दुर्भाग्य से मैं 20% वाले अन्य छोर पर पहुंच गया। इनमें से कौन सी संभावना सही है, यह कैसे जाना जाए? क्या मैंने एक गलती की या फिर बस जोखिम की वास्तविकता का अनुभव किया? आंकड़ों की सहायता से यह आंकना संभव है कि कुछ निर्णय समझदारी भरे थे या नहीं, लेकिन वास्तविक संसार में दिन प्रतिदिन हम ऐसा नहीं करते। यह बहुत कठिन है। हम सादी कहानियों को वरीयता देते हैं जो आसान जरूर होती है लेकिन अक्सर बुरी तरह भ्रामक भी। निवेशकों और अग्रणी उद्योगपतियों के साथ अनेक वर्ष गुजारने के बाद मैंने जाना है कि किसी दूसरे की असफलता के लिए आमतौर पर खराब निर्णयों को उत्तरदायी ठहराया जाता है, जबकि आप अपनी खुद की असफलताओं को अक्सर जोखिम के बुरे पहलू के कारण हुआ मानते हैं। आपकी असफलताओं को आंकते हुए मैं संभवतः कारण और प्रभाव की एक सीधी सादी कहानी पसंद करूंगा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपने एक बुरा परिणाम पाया तो यह आपके किसी बुरे निर्णय के कारण हुआ होगा। यह कहानी मुझे सबसे अधिक समझ में आती है, लेकिन जब मैं खुद को आंकता हूँ तो मैं एक ख्याली वर्तान रच सकता हूँ
जिसके सहारे मैं अपने निर्णयों को सही ठहराकर बुरे परिणामों को जोखिम के मत्थे मढ़ सकूं। फोर्ब्स मैगजीन का कवर ऐसे गरीब निवेशकों की सराहना नहीं करता जिन्होंने निर्णय तो समझदारी भरे लिए किंतु दुर्भाग्यवश जिन्हें जोखिम का बुरा पहलू झेलना पड़ा। लेकिन यह ऐसे अमीर निवेशकों का गुणगान अवश्य करता है जिन्होंने ठीक ठाक या फिर लापरवाही वाले ऐसे निर्णय लिए लेकिन भाग्यशाली निकले। दोनों ने एक ही सिक्का उछाला लेकिन उसके गिरते समय बाजी पलट गई। इसका खतरनाक पहलू यह है कि हम सब पैसे के बारे में यह जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि क्या काम करता है और क्या नहीं, कौन सी निवेश नीतियां काम करती हैं, कौन सी नहीं, कौन सी उद्योग नीतियां काम करती हैं, कौन सी नहीं, आप अमीर कैसे बन सकते हैं, आप गरीब होने से कैसे बच सकते हैं। हम सफलताओं और असफलताओं की समीक्षा कर ये पाठ सीखने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं वही करो जो इसने किया, जो उसने किया उससे बचो। अगर हमारे पास कोई जादुई छड़ी होती तो हम जान पाते कि इन परिणामों का कितना अनुपात ऐसे कार्यों के कारण है जो दोहराए जा सकते हैं बनाम अनियमित जोखिम और भाग्य की भूमिका जो इन कार्यों को इस या उस ओर धकेलते हैं। लेकिन हमारे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है, हमारे पास दिमाग है जिसे अधिक बारीकी के बगैर सरल उत्तर चाहिए। इसलिए उन विशेषताओं को पहचानना जो हमें अपनानी चाहिए या जिनसे बचना चाहिए बेहद कठिन हो सकता है। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ एक ऐसे व्यक्ति की जो बिल गेट्स की तरह बेतहाशा सफल था लेकिन जिसकी सफलता को भाग्य या कौशल से बांधना कठिन है। कार्नेलियस वैंडरबिल्ट ने अपने रेल मार्ग साम्राज्य को विस्तृत करने के लिए बस कुछ व्यापारिक करार पूरे ही किए थे। उनके एक व्यवसाय सलाहकार ने आगे झुककर वैंडरबिल्ट को बताया कि हर वह करार जिसके लिए उन्होंने सहमति दी थी वह किसी न किसी तरह कानून को तोड़ रहा था। हे भगवान, जॉन वैंडरबिल्ट ने कहा, तुम्हें लगता है कि रेल मार्ग स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क के कानून के अनुसार चल सकता है? बोलो, क्या ऐसा हो सकता है? इसे पढ़ने के बाद मेरा पहला विचार यह था, इस रवैये के कारण ही वे इतने सफल थे। वैंडरबिल्ट के समय में कानून रेल मार्ग की अनुमति नहीं देता था, इसलिए उन्होंने कहा भाड़ में जाए और कैसे भी अपना काम किया। वैंडरबिल्ट बेतहाशा रूप से सफल थे इसलिए उनकी कानून तोड़ने की आदत जो कुख्यात और उनकी सफलता के लिए निर्णायक थी उसे ऋषि ज्ञान के रूप में देखना लुभावना लग सकता है। उस बेजोड़ दूरदर्शी ने कुछ भी अपने रास्ते में नहीं आने दिया। लेकिन यह विश्लेषण कितना खतरनाक है, कोई भी समझदार व्यक्ति खुल्लम खुल्ला अपराध को उद्यमी विशिष्टता के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देगा। आप आसानी से वैंडरबिल्ट की कहानी के अलग तरह से रूप लेने की कल्पना कर सकते हैं। एक नियम विरोधी जिसकी नई कंपनी एक अदालत के आदेश से धराशायी हो गई, इसलिए यहाँ पर एक समस्या है। आप वैंडरबिल्ट की कानून तोड़ने के लिए उतनी ही प्रशंसा कर सकते हैं जितनी आप एनरॉन की इसके लिए आलोचना करते हैं। शायद इनमें से एक भाग्यवश कानून के हाथों से बच निकला जबकि दूसरा जोखिम के छोर पर जा पहुंचा। जॉन डी रॉकफेलर की कहानी भी ऐसी ही है। उनका बार बार कानून की आंखों में धूल झोंकना, एक न्यायाधीश ने एक बार उनकी कंपनी को आम चोर के समान कहा था। इतिहासकारों द्वारा अक्सर सातिर व्यवसाय होशियारी के रूप में दर्शाया गया है, शायद वह था भी। लेकिन वर्तांत, तुमने पुराने नियम कानूनों को नवरचना के आड़े नहीं आने दिया। तुमने एक अपराध किया है, मैं कब बदलता है? या फिर वर्तांत को, रॉकफेलर बहुत प्रतिभावान थे, उनकी सफलताओं से सीखने का प्रयास करो। से रॉकफेलर एक अपराधी था, उसकी व्यवसायिक असफलताओं से सीखने का प्रयत्न करो। मैं बदलने के लिए कहानी में कितनी फेर बदल करनी होगी? बहुत कम। मैं कानून की चिंता क्यों करूं? वैंडरबिल्ट ने एक बार कहा था। क्या मेरे पास शक्ति नहीं है? उनके पास थी और उसने काम भी किया, लेकिन
उन शब्दों की किसी ऐसी कहानी के अंतिम शब्दों के रूप में कल्पना करना काफी आसान है जिसका परिणाम बिल्कुल अलग हो। निडरता और लापरवाही के बीच की रेखा बहुत महीन हो सकती है। जब हम भाग्य और जोखिम को उनका उचित लेखा ना दें तो वे अदृश्य हो सकते हैं। बेंजामिन ग्राहम अब तक के महानतम निवेशक, मूल्य निवेश के जनक और वॉरेन बफेट के शुरुआती गुरु के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन बेंजामिन ग्राहम की अधिकांश निवेश सफलता GICO स्टॉक के एक बड़े भाग का स्वामी होने के कारण थी, जिसने उनके खुद के अनुसार हर उस विविधीकरण का नियम तोड़ के रख दिया जिसे ग्राहम ने खुद अपने प्रसिद्ध मूल ग्रंथों में लिखा था। यहाँ निर्भीकता और लापरवाही के बीच की महीन रेखा कहाँ स्थित है मुझे नहीं पता। ग्राहम ने अपने GICO बोनेंजा के बारे में लिखा, एक भाग्यशाली मौका या एक अत्यंत समझदारी वाला निर्णय, क्या हम इनके बीच का अंतर बता सकते हैं? आसानी से नहीं। इसी प्रकार हम सोचते हैं कि मार्क जुकरबर्ग प्रतिभावान है क्योंकि उन्होंने याहू के 2006 के 1 बिलियन में उसकी कंपनी खरीदने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने भविष्य को बूझा और अपनी बात पर डटे रहे, लेकिन लोग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा खरीदे जाने के प्रस्ताव को ठुकराने के लिए याहू की उतनी ही आलोचना करते हैं। इन मूर्खों को समय रहते पैसे बटोर लेने चाहिए थे। उद्यमियों के लिए यहाँ क्या सबक है मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं, क्योंकि भाग्य और जोखिम की स्पष्ट व्याख्या करना कठिन है। इसके और भी कितने ही उदाहरण हैं, अनगिनत सौभाग्य और सफलताएं लिवरेज का परिणाम है। सर्वश्रेष्ठ और सबसे बुरे प्रबंधक अपने कर्मचारियों को जितना हो सके उतना बाध्य करते हैं। ग्राहक हमेशा सही होता है और ग्राहक नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए। दोनों स्वीकृत व्यावसायिक ज्ञान है। प्रेरक रूप से निर्भीक और मूर्ख लापरवाह के बीच की रेखा की मोटाई मात्र 1 मिलीमीटर भी हो सकती है, जिसे बस दृष्टि से देखा जा सकता है। भाग्य और जोखिम एक दूसरे की कार्बन कॉपी है। यह कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे आसानी से सुलझाया जा सके। जब हम वित्त प्रबंधन की सर्वश्रेष्ठ शैली के बारे में सीखने का प्रयास करते हैं तो भाग्य क्या है, कौशल क्या है और जोखिम क्या है, यह पहचानना सबसे कठिन समस्या है। लेकिन ऐसी दो बातें हैं जो आपको बेहतर दिशा दिखा सकती हैं। ध्यान रखें कि आप किसकी प्रशंसा और सराहना करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें कि आप किसे नापसंद करते हैं और उसके जैसा नहीं बनना चाहते। या फिर ध्यान रखिए जब आप यह मानने चले कि 100% परिणाम प्रयासों और निर्णयों पर निर्भर करते हैं। मेरे बेटे के जन्म के बाद मैंने उसे एक पत्र लिखा जिसका एक हिस्सा कुछ ऐसा था, कुछ लोग ऐसे परिवारों में जन्म लेते हैं जहां शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है जबकि कुछ अन्य इसके विरुद्ध होते हैं। कुछ का जन्म समृद्ध अर्थव्यवस्था में होता है जहां उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाता है जबकि कुछ का जन्म युद्ध और अभाव में होता है। मैं तुम्हें सफल होते देखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम इसे खुद हासिल करो, लेकिन याद रखो कि सफलता हमेशा मेहनत के कारण नहीं मिलती और गरीबी हमेशा आलस के कारण नहीं होती। जब तुम दूसरों को और साथ में खुद को आंकने लगो यह हमेशा ध्यान में रखना। इसलिए व्यक्ति विशेष और केस स्टडी पर कम और व्यापक प्रतिमानों पर अधिक ध्यान दें। किसी व्यक्ति विशेष का अध्ययन खतरनाक हो सकता है क्योंकि हम अक्सर चरम सीमा के उदाहरण लेते हैं, जैसे अरबपति CEO या वे जो बुरी तरह असफल हुए जो खबरों में रहते हैं, और चरम सीमा के उदाहरण अक्सर अपनी जटिलता के कारण अन्य परिस्थितियों में लागू नहीं होते। जितना चरम कोई परिणाम होता है उतना ही कम उसके सबक को आप अपने जीवन में लागू कर पाएंगे, क्योंकि यह परिणाम उतना ही अधिक भाग्य और जोखिम की चरम सीमाओं से प्रभावित हुआ होगा। आप सफलता और असफलता के व्यापक प्रतिमानों को देख अभियोज्य आप सफलता और असफलता के व्यापक प्रतिमानों को देख अभियोज्य बोध के निकट पहुंच जाएंगे। प्रतिमान जितना सामान्य होगा उतना ही अधिक वह आपके जीवन में लागू हो सकेगा। वॉरेन बफेट की निवेश सफलता का अनुकरण कर पाना कठिन है
क्योंकि उनके परिणाम इतने चरम हैं कि उनकी आजीवन उपलब्धियों में भाग्य की भूमिका संभवतः बहुत अधिक है। और भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं जिसका विश्वसनीयता से अनुकरण किया जा सके। लेकिन जैसा कि हम अध्याय 7 में देखेंगे, यह समझना कि जो लोग अपने समय पर नियंत्रण रखते हैं वे अधिक खुश रहते हैं, या यह एक व्यापक और सामान्य अवलोकन है जिसे आप इस्तेमाल कर सकें। मेरे पसंदीदा इतिहासकार फ्रेडरिक लुईस एलन ने अपना कैरियर एक औसत मध्यस्थ अमेरिकी जीवन को दर्शाते हुए बिताया। वे कैसे रहते थे, किस प्रकार उनमें बदलाव आया, आजीविका के लिए वे क्या करते थे, खाने में क्या खाते थे इत्यादि। इस तरह के व्यापक अवलोकन से अधिक उपयुक्त सीख मिलती है बजाय उन चंद अतिशय शख्सों के अध्ययन से जो हमेशा खबरों में रहते हैं। बिल गेट्स ने एक बार कहा था, सफलता एक खराब शिक्षक है, यह होशियार लोगों को यह सोचने को लुभाती है कि वे कभी हार नहीं सकते। जब सब बहुत अच्छा चल रहा होता है, समझिए कि यह इतना अच्छा भी नहीं जितना आपको लग रहा है। आप अजय नहीं है, और यदि आप यह मान ले कि भाग्य ने आपको सफलता दिलाई है, तो आपको इसके दूसरे भाई जोखिम में भी विश्वास करना पड़ेगा जो आपकी कहानी को तुरंत पलट सकता है। लेकिन इसे दूसरी दिशा में देखा जाए तब भी यह मान्य है, असफलता भी एक खराब शिक्षक हो सकती है, क्योंकि यह होशियार लोगों को यह मानने के लिए मजबूर करती है कि उनके निर्णय बहुत बेकार थे। जब कभी वे जोखिम की निर्मम वास्तविकता का सामना करते हैं, असफलता का सामना करने की तरकीब यह है कि आप अपने वित्तीय जीवन का इस तरह से प्रबंधन करें कि एक बुरा निवेश या एक अपूर्ण वित्तीय उद्देश्य आपको पूरी तरह से न झकझोर दे, और आप फिर से भाग्य आपके पक्ष में होने तक आगे बढ़ते रहें। लेकिन और भी महत्वपूर्ण यह है कि जितना हम सफलता में भाग्य की भूमिका को मान्यता देते हैं, जोखिम की भूमिका का आशय यह है कि हमें खुद को माफ करना सीखना चाहिए, और साथ ही दूसरों की असफलताओं को आंकते हुए उन्हें समझने की कोशिश चाहिए। कुछ भी इतना अच्छा या खराब नहीं होता जितना वह दिखता है। आइए अब ऐसे दो व्यक्तियों की कहानी पर नजर डालें जिन्होंने अपने भाग्य को बाध्य किया। आज की ऑडियो बुक में इतना ही। अगली ऑडियो बुक में इन दो महान व्यक्तियों की कहानी सुनने के लिए तैयार रहिए। थैंक यू।